मैडम किधर? शट अप, कोई तो रोक लो। एक्सक्यूज मी मिस, किधर जा रही हो? आपका नाम क्या है? हमें आपसे काम है। भाई क्या करे, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो। इफ यू वेयर ब्लैक, माय हार्ट इज ऑलवेज क्रैक। प्लीज गाइस बिहेव योरसेल्फ। हाय, बिहेव माय सेल्फ। तो बच्चों, आज मैं आप सभी को लाइफ के बारे में कुछ कहानियां सुनाता हूं। कब तक सोते रहोगे? जागना तो पड़ेगा। गौतम बुद्ध भी जागे थे, तुम्हें भी जागना पड़ेगा। नसरुद्दीन का बेटा फजलू स्कूल से चार नए शब्द सीख के आया, दारू, हुक्का, रंडी, उल्लू का पट्टा। बच्चा बिगड़ ना जाए इसलिए नसरुद्दीन ने दारू का अर्थ चाय, हुक्का का अर्थ कॉफी, और रंडी का भिंडी, और उल्लू के पट्टे का मेहमान बताया। अब इत्तफाक यूं हुआ कि फजलू घर के बाहर बरामदे में खेल रहा था। नसरुद्दीन का परिचित आया, उसने फजलू से पूछा, बेटा पापा कहाँ गए हैं? तो फजलू बोला, पापा तो बाजार गए हैं रंडी खरीदने, आजकल उन्हें रंडी बहुत भाती है। तो परिचित थोड़ा हैरान हो गया। तो फजलू ने पूछा कि अंकल, आप दारू लेना पसंद करेंगे या कॉफी लेना पसंद करेंगे? परिचित ने बोला, ये क्या बकवास कर रहे हो? परिचित ने बोला, बेटा तुम्हारे पापा को आने में टाइम लगेगा, तो मम्मी को ही बुला दो। तो फजलू खिड़की के बाहर से झांक कर देखता है, वो मम्मी को बोलता है, मम्मी कोई उल्लू का पट्टा आया है, पापा के बारे में पूछ रहा है। मैंने बोला पापा बाहर गए हैं, तो बोला पापा नहीं तो मम्मी को ही बुला दो। तो मम्मी ने बोला, बेटा उन्हें बिठा के रखो। तो फजलू बोला, ए उल्लू के पट्टे बैठ जाओ। तो बच्चों, इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि शब्द कभी गलत नहीं होते, इंसान के विचार गलत होते। अब जो शब्द कितना बेकार था, पर फजलू को लगा कि शब्द कितना अच्छा है। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही, बाकी सारे बच्चे अपनी क्लासरूम में चले जाएं। थैंक यू। What nonsense! किसने करा ये बोर्ड खराब? मैडम खराब तो नहीं बोलते, इसको तो अच्छा बोलते। कितना अच्छा लग रहा था मैडम। ओ मैडम, इंग्लिश में इंट्रोडक्शन होता है, हिंदी में होता है परिचय। साइलेंस। ठीक है, पहले आप बताएं। माय नेम इज श्री, आई स्टडी इन क्लास 10th। हे श्री, कोल मांगीलाल बा चाय वाला? नन ऑफ योर बिजनेस। भाई अपन तो कोई बिजनेस ही नहीं करते यार, अपन तो दूध बेचा।
वो जो दूध बेचा नहीं उसको इसकी भाषा में बिजनेस बोलते होंगे। अच्छा, चाहिए क्या तुम्हारे को दूध? ला देंगे तुम्हारे घर, बंदी बांध देंगे 40 रुपए लीटर। अरे श्री मैडम बता दो, चाहिए तो घर का है तुम्हारा। तुम बहुत ज्यादा बदतमीजी कर रहे हो, तुम दो अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन। मैं डराने वाला, असलियत का पर्दा हटाने वाला, तेरा गांव वाला रे। अरे तू बैगन को गाजर बोलता, गाजर को मूली बोलता, मूली को बैगन बोलता तू। अरे तेरी अखिया में मिस्टेक नहीं है रे, दिमाग बोल रहे, देखा अखिया बोल रहे नहीं देखा। अरे तू दिमाग को छोड़ो, अखिया को पकड़ कर अर्जुन इस गाँव में, मैंने अपनी अखिया से देखा। अरे राणा क्या मैं काना पाना जनाना दीवाना सबके सामने बोलता। अरे गर्दन कटे या मुंडी उड़े, सच बोलने वास्ते पीछे नहीं हटू मैं, करण अर्जुन को देखा हूँ मतलब देखा। चलो पायलागू बाबा, ठाकुर बाबा पायलागू, मैंने देखा क्या देखा, मैंने देखा ये मोटे मोटे घोड़े, ये तमाटा घोड़े, ये ऊंचे ऊंचे घोड़े भाग रहे थे, घोड़े काले घोड़े सफेद घोड़े बूढ़े घोड़े रौनकदार घोड़े। अरे बाबा तबेले में घोड़े, तबेले में घोसला, तबेले में निशानेबाजी, तबेले में क्या क्या। अरे बाबा मुगे मुंह दौड़ा, मुगे मुंह तो कमाल कर गया बाबा। शट अप, बाहर जाओ क्लास से, गेट आउट माय क्लास। अभी से बोल रहा मैडम कि तुम ऊंचा सुनते बोले कि इतने चिल्ला रहे हैं। शट अप, व्हाट द हेल आर यू डूइंग? आपने तो बोला मैडम चढ़ाओ। सेट। देखा है तुमको जब से हाई में तो हिल गया, लगता है मेरे सीने से दिल निकल गया। वाह भाई क्या शायरी है। वे शायरी नहीं गाना है। तुझे बड़ा पता है? अर्ज किया है। इरशाद इरशाद, तुम मेरी जिंदगी में इस तरह आई जैसे भट्टे के खेत में गोभी का फूल उगाई। ये हंसी देख भाई, हंसी। मैं लड़की का हंसना एक अदा है, जो इसे प्यार समझे वो सबसे बड़ा। अबे तू रेंदे हंसी हो। गुड आफ्टरनून मैडम। नॉनसेंस। चलो सभी लोग अपनी मैथ्स की बुक ओपन कर लो। ओके मैडम। यू तुम बताओ 1+1 कितना होता है? 1+1 का तो नहीं मालूम, लेकिन 1 और 1 11 होता है। शट अप। तुम बताओ 1+1 कितना होता है? 2। 2। ओके गुड। 2+2 4 होते हैं मैम। ओके गुड। नाउ यू तुम बताओ 3+3 कितना होता है? 5 होते हैं मैडम। कैसे? गलती से। शट अप नॉनसेंस, बैठ जाओ। क्या हो गया भाई, इतना हंस क्यों रहा है? अरे भाई क्या हुआ, अभी जब उसने मुझे देखा तो मैंने उसको नहीं देखा, फिर हम दोनों ने क्या करा रुक, था रुक, रुक, रुक। मैं बताता हूँ क्या हुआ होगा। जब तूने उसको देखा तो उसने तेरे को नहीं देखा, जब उसने तेरे को देखा तो तूने उसको नहीं देखा, और जब तुम दोनों ने एक दूसरे को देखा तो वो शर्मा गई होगी। भाई यही हुआ सही में। हाँ अरे भाई आगे क्या करना चाहिए भाई, उसको प्रपोज करते थे। प्रपोज कैसे करें? तूने देखा नहीं है वो अपनी साइंस वाली मैडम को कितना चिल्लाती है। वैसे उनसे क्या डरना, तो जाके बोल दे प्रपोज। एक्सक्यूज मी मिस। प्रिंसिपल को बोल दिया तो ओशा जैसे भाषण देने लग जाएगा वापस। अरे प्रिंसिपल से क्यों डरे, ओशा थोड़ी ना, जोशा नाम है उसका प्रिंसिपल का। ए भाई प्यार हो गया मुझे। वाई फियर व्हेन रजत इज हियर। ठीक है सो जा तू, मैं भी सोता हूँ। एक्सक्यूज मी बैठ सकता हूँ क्या? क्या कर रही तुम यहाँ पे लंच में अकेले बैठ के? बस ऐसे ही बैठी थी। अच्छा ऐसे ही बैठी थी। हाँ। पता है श्री तुम्हारी आवाज में बहुत दर्द है, तुम्हें ना भीख मांगनी चाहिए। छी कितने गंदे हो तुम। सच बोल रहा हूँ। वैसे तुम घर जाती हो जब? कैसे जाती हो, मतलब बस लेने आती है तुम्हें या फिर आप अकेले जाते हो? हाँ अकेले जाती हूँ। फेस कवर करके जाते हो ऐसे? ऐसे मतलब बहुत सारे प्रपोजल आते होंगे तुम्हारे पास तो? नहीं नहीं। अरे आते तो होंगे। नहीं आते। अगर कोई अपने स्कूल में से तुम्हें प्रपोज करता है तो मैं उसका मुंह तोड़ दूंगी। सच में कोई तुम्हें प्रपोज करता है तो तुम उसका मुंह तोड़ दोगी? नहीं मैं तो मजाक कर रही हूं। नहीं तो मैं मुंह तोड़ाने के लिए तैयार था। वैसे एक बात बताऊं तुम्हें, आई लाइक यू। वैसे मैं भी तुम्हें थोड़ा थोड़ा। सच में कब से? नहीं बस क्या बस थोड़ा 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 थोड़ा।
बहुत क्यूट है तुम्हारी स्माइल। और क्या भाई, कैसे हो? चल रहा है तुम दोनों का? कुछ नहीं। और भाभी, बोल सकता हूँ ना मैं? क्यों नहीं बोल सकता? क्यों बोल सकता है? बोलने दो यार कुछ तो, क्योंकि फिर क्या बोलूँ मैं भाई? कुछ भी बोल सकता है। अभी मैं बोल सकता हूँ, प्रपोजल एक्सेप्ट भी किया कि नहीं वो भी नहीं पता है मुझे। हो जाएगा ना एक्सेप्ट? यस यस, मतलब इसकी तरह, मतलब आपकी हाँ ना है? तुम इसकी भाभी बनोगी? ओ मेरी भाभी बनोगी क्या मैडम? प्लीज आई रिक्वेस्ट, प्लीज प्लीज, हाँ या ना? रात को इंस्टा पे बताती। सच में करोगी ना मैसेज? भाई क्या लगता है तुझे? भाई तेरा काम तो हो गया, तो पार्टी तो लगेगी। हाँ। मुझे तो नहीं लगता, वो कुछ बोल के नहीं गई है। उसने बोला है कि कोई भी स्कूल में प्रपोज करेगा तो उसका मुंह तोड़ दूंगी। तो तोड़ देना मुंह। मुंह तोड़ने में क्या, देख भाई मैं क्या कह रहा हूँ, कोई भी लड़की इतनी देर बात नहीं करेगी और ऐसा नहीं बोलेगी। अरे भाई बात वाली बात नहीं है, उसने बात तो बहुत देर की कर रही थी। उसकी आईडी भी दी उसने मुझे, इंस्टा आईडी दे दी। उसने उसके घर का एड्रेस भी दिया। शाम को चलें अपन उसके घर से। आई पता तेरे को उधर है वो? पर भाई चलने से पहले अपनी एक शर्त है। क्या? गाड़ी लगेगी, अपने को भी मैडम के घर जाना है। अरे भाई को प्यार हो गया मैडम से। में बन जाए तेरी हंसी पे नई राहें बन जाए, हम सफर बन जाए, अकेला था तुझसे पहले अब राही बन गया, मुझ में थी कमियां तुझसे पहले अब खिलाड़ी बन गया, अंजर का तेरी कुछ असर यूं हुआ। थक गया रे भाई आज तो स्कूल में रे। भाई मेरे को तो प्यार हो गया यार, श्री से सेटिंग करवा दे यार। प्यार तो मेरे को भी हो गया यार। किससे हो गया? वो अपनी मैडम है ना, सल्लू मैडम। क्या बात कर रहे हो, चश्मा लगाइए ना। कौन सल्लू मैडम? अरे वो साइंस वाले। ये भाई वो तो बहुत सही है यार मैडम, तो आकली तो ज्वाइनिंग हुई है उनकी। अरे भाई बहुत खतरनाक ब्लैक साड़ी में क्या तो कमाल लगती है रे भाई। अरे आधी क्लास देखने लग गई थी वो, आधी क्लास में ध्यान नहीं दिया। अरे भाई वो भाई पढ़ा ही नहीं हो पा रही ना। अरे भाई क्या तो लगती है, और जो बाल खुले छोड़ के आती है भाई। मैं वही कह रहा हूँ, श्री को जब मैंने स्कूटी पे देखा ना। क्या? मैंने जब श्री को स्कूटी पे देखा ना भाई, मैं तो देखते ही रह गया हूँ। गाड़ी ठोकने वाला था मैं, थोड़ा सा बचा पता तेरे को? अरे भाई सुबह में जब आ रही है, सुन मेरी बात सुन। देख श्री से मैं तेरी सेटिंग लगवाता हूँ, तू मैडम से मेरी लगवा, श्री की बेंच से मैं तेरी लगवा दूंगा। श्री की बेंच से मैं तेरी लगवा दूंगा। संग तेरे
सवेरों से शामें बन जाए। हेलो सुशील, कहाँ हो तुम? मैं तुम्हारा कब से वेट कर रही हूँ। तेरे बिना रातें अधूरी है, तेरे सिवा कोई बातें ना पूरी है। तू जो ना हो तो दिल की गुमशुदगी है। पहचानते हो सल्लू मैम? हाँ, जो नहीं आया उनको लाइक करता है। हाँ, रोज उनके घर के आसपास घूमता है, शाम के टाइम हमें भी ले जाता और उठा के। इस टाइम अभी उसका कॉल ही आया था कि चलते हैं अपन घूमने के लिए, फिर मैंने कैंसिल कर दिया। तुम्हारे अधूरी है, तेरे सिवा कोई बातें ना पूरी है। तू जो ना हो तो दिल की गुमशुदगी है। जुबां पे दिल पे तेरा ही हक इश्क है, इश्क है, इश्क है। जुबां पे तेरा ही जिक्र है, ये मेरा इश्क है। दिल से गलतियां हुई तेरे सिवा जग, हसिया हुआ दिल ने भी माना, खुदा ने भी जाना। तेरे सिवा नहीं मेरा कोई दूजा जान। तो हेलो दोस्तों, हमारा फाइनली शूट कंप्लीट हो गया है और अब आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो बच्चों बोलो मेरे साथ, हमारे चैनल को कमेंट करो, शेयर करो।